नमस्कार दोस्तों, गुजरात के कच्छ में आपको दिखा रहे हैं गांव जरपरा की भैंसे। ये आप देख रहे हो, एक साइड में कुछ तीन चार पशुपालकों की भैंसे हैं, यहाँ पे हजारों की संख्या में भैंसे हैं और बहुत सारे पशुपालक हैं जो अपनी भैंसों को खुद लेके आते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, माँ जी हैं, ये अपने मुरजी भाई हैं, रतन भाई हैं और भी दो तीन पशुपालक पीछे हैं, जरपरा गाँव के हैं ये। आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, पर वीडियो आपको बहुत अच्छा मिलेगा और सारी भैंसे दिखाएंगे और पूरी डिटेल से सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो पहले भैंसों का व्यू देख लो आप, कितनी सारी है यहाँ पे। ये लगभग तीन चार पशुपालकों की है बस, और इनसे बात करवाते हैं। बुल देखो कितना अच्छा है, आप देख सकते हैं बन्नी नस्ल का पार्ट आपको दिखाते हैं। गुजरात के कच्छ में बन्नी विस्तार से इसको लेके आए हैं। बन्नी विस्तार बोले तो एक डोरी गांव है अपना, और डोरी गांव से इसको लेके आए हैं। हवा थोड़ी ज़्यादा चल रही है तो खुर खुर की आवाज़ आ रही होगी भाई साहब। ये देखो आपको इसकी खुले में आराम से चल रही हैं। कोई बात नहीं, तो बात करते हैं रतन भाई से और पूछते हैं भैंसों के बारे में और किस तरीके से खिलाना पिलाना होता है, क्या रेंज है, कितना दूध वूध देती हैं। राम राम भाई साहब, कैसे हो? एकदम मजे। अच्छा, इस साइड में आ जाओ, थोड़ा साफ दिखेगा। अच्छा, मेरे को आपका परिचय दीजिए, आपका नाम बताइए और ये जगह बताइए और पूरा डिटेल से बताइए इसके बारे में पहले। यह जरपरा का दक्षिण विस्तार पड़ता है। दक्षिण विस्तार जरपरा का, ठीक है जी। मतलब कच्छी में हम बोलते हैं दखनो पाव। दखनो पाव, वाह जी वाह। माँ जी बोल रहे पूरा कच्छी में इंटरव्यू दो। दक्षिण पाव बोलते हैं जी साहब। अच्छा जी, ठीक है। हमारी सब बन्नी नस्ल की भैंस है। आपकी प्रॉपर सारी बन्नी है, ठीक है। यहाँ पे सारी बन्नी है कि मिक्स है, देसी भी है सारी? नहीं, वैसे तो मिक्स है, तो मिक्स सब देसी सब कुछ है। हाँ, थोड़ी बहुत देसी भी है। देसी राठी मतलब क्या बोलते हैं? वैसे तो यहाँ कच्छ की हर भैंस बन्नी में ही मानी जाती है। बन्नी में मानी जाती है, क्या कि यहाँ सब बेरिया, वैसे तो कंठी पट्टी आता है वो सब बन्नी लगता है जी जी, लेकिन सब के ऊपर डिपेंड, सब पहले नस्ल पे ध्यान नहीं दिया तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत हाँ बीच में गड़बड़ हो गई है, थोड़ी गड़बड़ हो गई। सही बात है, नस्ल सब बिगड़ गई है जी जी जी। ये देखो पूरी वाली है, कितनी अच्छी दिख रही है वाली। पूरी वाली भी एक बाइक है, वो भी बेस बहुत बढ़िया है। इसकी अंदर लगभग दूध था इसकी माँ का, पूरी का। अच्छा जी, पूरी दूसरे बाइक की है। हाँ हाँ, रतन जी मेरे को ये बताइए, आपके पूरे गांव में लगभग कितनी भैंसे होंगी टोटल? हमारे पूरा, वैसे तो गांव सब खेती और पशुपालन पे ही डिपेंड करता है जी जी, सब मिक्स में ही चलता है। अच्छा, खेती होगा तो पशुपालन तो होगा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, खुद का जितना तो सब रखते ही है, मतलब खुद की दो दो चार चार भैंसे तो सबके पास है। होगी सही बात, घर पे खाने के लिए दूध तो घर का ही, वैसे लगभग सबके पास ही होगा। इस क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा दूध आपका गांव प्रोडक्शन करता होगा? वैसे तो सब, कोई गांव में ऐसा नहीं पशुपालन नहीं होगा, सब विस्तार में सब नहीं, जैसे भैंसे हैं यहाँ पे इस गांव में, मेरे को ज्यादा लगती है आसपास के गांव से। जरपरा में भी है, सब गांव में तो लगभग अभी दो दूध का चल रहा है तो सब गांव में लगभग तो भैंसे बहुत मिल ही जाएंगे। कोई तो आपके हिसाब से यहाँ पे आसपास और कौन कौन से बड़े बड़े गांव हैं जहाँ पे ज्यादा भैंसे होंगे? हमारे सब गांव में लगभग, जरपरा है, नवीनार है, सिराजा, बाड़िया, कांडाकरा, सब लगभग सब गांव में वांड है, वांड में बहुत बढ़िया, मतलब ये पूरी पूरी बेल्ट है, सब गांव में लगभग तो भैंसे रहेगी। अच्छा, मतलब कोई आदमी आए अगर मुंद्रा से तो पहले जरपरा देखो, फिर आगे ये जैसे आपका भूज वाला है, जहाँ जहाँ पानी और खेती चलती है वहीं पे लगभग भैंसे तो रहेगी। ठीक है जी, क्योंकि खेती आपके गांव में लगभग कितनी होंगी टोटल भैंसे आपके हिसाब से, अंदाजा? हमारे हिसाब से भैंस 1000 से ज्यादा होगी। 1000 से ज्यादा होंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं जैसे बात करूँ दूध की, तो दूध का प्रोडक्शन कितना होता है, मतलब आपकी जो भैंसे हैं एवरेज, मतलब एवरेज कितना होता है कि भाई लगभग इतना तो भैंसों के मिल ही जाता है, ज्यादा भी छोड़ दें बीच कम भी छोड़ दें, बीच बीच का अंदाजा? नॉर्मल एवरेज तो 5-6 लीटर वाली, 5-6 लीटर एक टाइम का। हाँ। मतलब 12 लीटर दूध वाली भैंसे हैं, 12 लीटर वाली ज्यादा निकलेगी। हाँ हाँ, निकलती है भैंस 10-10 लीटर, यानी 10-12 लीटर रेंज पकड़ के चले। अच्छा जी, जैसे 10-12 लीटर हो और दूसरा और तीसरा 72 हो, तो लगभग उसकी कीमत कितनी होगी? तो इसकी ऐसी बात है कि उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर और लेंथ सब कुछ देख के इसके बाद ही इसका निकलता है। जैसे आपकी यहाँ पे तगड़ी भैंसे हैं अभी, इन भैंसों की अगर बात करें तो इन भैंसों की लगभग एवरेज अगर मैं पूछूं भाई, जैसे मान लो 12 लीटर है, दूसरे 72 की है, बढ़िया गोल सींग है और अच्छी
तंदुरुस्त बढ़िया दिख रही है, तो लगभग आपके हिसाब से कितनी होगी उसकी रेंज? और मेरे पास अभी जो मेरे पास खुद की भैंस है, हाँ हाँ, सब लाख से बाहर की है। लाख से मतलब बाहर का मतलब ऊपर की कि नीचे की? ऊपर की, लाख से ऊपर की, कोई अभी भैंस नहीं है मेरे पास, 20 से ऊपर है भैंस, सब लाख के ऊपर की। अच्छा जी, तो रेंज मतलब जैसे दूध कितना कितना देती होंगी वो? दूध मेरी भैंस निकालती है 7, 7.5, 8 एक टाइम का, ज्यादा है मतलब 14-15 लीटर दूध है, इससे कम की नहीं है ज्यादातर। अच्छा, सब सात आठ तो सब निकालती है। बढ़िया शरीर है, बढ़िया तैयारी, बढ़िया क्वालिटी, एकदम बढ़िया। इससे भी दूसरी तो एक पास इससे भी बढ़िया भी हो सकती है, जी जी जी। लेकिन हमारे हिसाब से बढ़िया। सही बात है, आप अपनी चीज तो सबको अच्छी लगती है। अपनी चीज तो सबको अच्छी लगती है, वैसे तो सब बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सही है, वैसे भी अच्छी है, हमने देखी थी। अच्छा, आप मेरे को एक बात और बताइए, जैसे आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे ये घूमती हैं, तो ये लगभग सारा साल घूमती है कि कुछ समय के लिए घूमती है? वैसे हमारी तो पूरा साल घूमती रहती है, ज्यादातर घूमती रहती है। आपकी पूरा साल घूमती है, तो जैसे कोई बाहर से आदमी आता है, व्यापारी वगैरह या कोई भी अपना आसपास का कोई ऐसा जो डेयरी फार्म कर रखा है जिसने, वो अगर इन भैंसों को लेके जाए और एक जगह बांध के रखे, तो क्या ये दूध देंगे या परेशान करेंगे? नहीं नहीं, वैसे भी दूध देगी, उसका रख रखाव अच्छा होगा तो बांध के भी, हम भी खुद बांधते हैं, लेकिन हमारे ज्यादा भैंस थी पहले तो ऐसी से ऊपर थी, जी जी। अब तो कम कर दिया है, इस तरह हम घर पे रहेगी तो भी खुला ही रहती है, घर पे सुबह सुबह को खोल देंगे, जी जी, तो बाड़े में खाने का और पीने का सब उधर खुली रहेगी, जिसको छाया में रहना है छाया में रहेगी, धूप में रहना है धूप में रहेगी, जी जी, खुला ही रहती है, खुला रहेगी भी रहेगी तो भी खुला रहती है। अच्छा, अगर सिम में ज्यादा नहीं है खाने का तो जाएगी घूम कर फिर वापस आ जाएगी, तो घर पे बैठेगी और खाएगी, जिसे मजा आया वो खाएगी, जिसे मजा नहीं आया वो बैठ जाएगी छाया में, पानी पीना है पानी पिएगी, शाम को ही बांधते हैं, सुबह को छोड़ देते हैं, मतलब सुबह को खिला कर इसको खुला कर देते हैं, शाम को शाम तक बांधते हैं, घर में रहेगी या जंगल में रहेगी, जंगल में अगर मजा आया तो चली जाती है, उसे मजा नहीं आया तो घर पे वापस आ जाती है, उधर ही बैठेगी खाएगी पिएगी और खुली घूमेगी, खुली घूमेगी। मतलब जैसे मेरा तो कहने का क्या मतलब, डेयरी वाले को तो इतना टाइम होता ही नहीं कि वो घुमा के लाए, वो तो चाहता है मैं बांध के रखूँ, वहीं पे खिला दूँ, वहीं पे पिला दूँ, वहीं पे रहे वो सारा दिन, बंदी रहे वहीं पे दूध देती रहे, तो वो खिलाने में अगर डाइट यहाँ से मान लो आपकी डाइट से बढ़िया डाइट खिलाए तो दूध बढ़ाएगी कि कम रखेगी? दूध तो बढ़ा सकती है खड़ी खड़ी भी, लेकिन ऐसा बात है कि जंगल में जब जाएगी भैंस तो उसके जो कुर्मी की गोलियां है सब कुछ देना पड़ता है, मिनरल मिक्सचर, इसको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ये स्वस्थ रहेगी, स्वस्थ रहेगी, जो भी चारा उसे पसंद आएगा वो खाएगी। सही बात, हम जहाँ खड़े रखेंगे वही नहीं खाएगी, उसे जो मजा आएगा उसी जगह वो खाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक जोरदार बात बताई भाई रतन भाई जी, मिनरल मिक्सचर जो कुर्मी की वार्मिंग डिवॉर्मिंग जो गोलियां खिलानी पड़ती है, जी जी, ज्यादातर इसे जरूरत नहीं पड़ती है, सबको हो जाता है, खुद मतलब वो हो जाता है। आप भी खिलाते हो कोई मिनरल मिक्सचर या कोई गोलियां या कुछ भी? नहीं, हम एक्स्ट्रा कुछ खिलाते हो? नहीं, कभी कभी खिलाते हैं हम भी। क्या खिलाते हो जी कभी कभी? कुर्मी, कुर्मी की डिवॉर्मिंग की गोलियां खिलाते हैं। अच्छा जी, जो साल में अगर सब बिया जाने के बाद एक बार खिलाते हैं, सबको भी खिलाते हैं। और मिनरल मिक्सचर कहीं कहीं तो कभी कभी खाते हैं, खिलाते हैं, हमको लगता है कि इसको जरूरत है तो खिलाते हैं। नहीं, कैल्शियम वगैरह भी देते हो? नहीं, कैल्शियम नहीं देते, नहीं देते, कैल्शियम की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, और कोई लगती है कैल्शियम की जरूरत है तभी देते हैं, वरना नहीं देते, वरना नहीं देते। तो भाई ये रतन भाई जी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और वैसे भी दिखाएंगे हम रतन भाई की। अच्छा रतन भाई जी, मेरे को आपका नंबर दीजिए, अगर किसी भाई को बात करनी हो तो आपसे संपर्क।